हेलो फ्रेंड्स, सो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको मेरे सब्जेक्ट्स की मैंने किस किससे कोचिंग ली थी, लाइक किस टीचर को मैंने चूज किया था और कौन से सब्जेक्ट मैंने आपके सेल्फ किए थे इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल पे और फाउंडेशन लेवल पे भी बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको फाउंडेशन लेवल पे मैंने अकाउंट्स की और आपकी लॉ की और आपके इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की, लाइक सभी की मैंने कोचिंग ली थी। मैंने प्रियंका सक्सेना क्लासेस से पढ़ा था और लाइक आई स्कोर 295 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड यस दैट वाज क्लियर्ड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इन फर्स्ट सेटिंग, ठीक है। एंड दैट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज उस समय और अभी का समय में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लाइक कंसिस्टेंसी कह लो, आप फोकस कह लो, डिटर्मिनेशन कह लो, ठीक है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑन द सोशल मीडिया कह लो, सब कुछ डिफरेंट था उस समय। सो लाइक आई स्कोर 295 मार्क्स आउट ऑफ 400 एंड इन एवरी सब्जेक्ट लाइक 70 प्लस मार्क्स वॉज देयर एंड दैट वॉज माई डिसंबर 2017 अटेम्प्ट, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लाइक मैंने 12th क्लियर की थी अपनी, मेरा 12th का जो रिजल्ट था वो मई 17 में आया था एट द एज ऑफ 17। सो एट द एज ऑफ 17 आई क्वालिफाइड फ्रॉम माई CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सभी की मैंने कोचिंग ली थी बट एज ऑफ नाउ देर आर सो मेनी ऑफ द कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, सो यू शुड ऑल्सो लाइक एक्सप्लोर दोज यूट्यूब चैनल्स एंड वीडियोज ऑफ द डिफरेंट टीचर एंड यू कैन रियली स्कोर अ गुड। बिकॉज एट दैट टाइम क्या था कि आपका 40% सब्जेक्टिव रहता था, 60% सब आपका ऑब्जेक्टिव रहता था, बट नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, सो यू कैन स्कोर वेल इफ योर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस आर स्ट्रांग। पहले क्या हुआ करता था कि लाइक वी हैव टू बी स्ट्रांग इन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है, लाइक इट ऑल्सो लाइक रिक्वायर सम ऑफ द प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है, डिटेल्ड वर्किंग इज रिक्वायर्ड, बट एज ऑफ नाउ देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। सेकेंड, इंटरमीडिएट लेवल पे मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट लेवल पे और हाँ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल दोनों ही लेवल मैंने जो है लक्ष्मीनगर डेली बेसिस पे जा करके अपना दिया है, डेली बेसिस अपना समय दिया है। आई यूज टू गो इन ऑन डेली बेसिस लक्ष्मीनगर, सो वहां मैंने पढ़ा। नाउ कम टू द इंटरमीडिएट लेवल पार्ट। सो इंटरमीडिएट में मैंने मैं आपको बताऊं, मैंने जब मेरे फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हुए थे, द मोमेंट आई हैव डन माई फाउंडेशन एग्जामिनेशन दैट वॉज 14th ऑफ डिसंबर वॉज द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ माई CMA फाउंडेशन। सो उसके 4-5 दिन बाद ही मैंने क्या किया था, इंटरमीडिएट की जो कोचिंग थी उसके डेमो क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए थे प्रियंका सक्सेना मैम के क्लासेस पे। प्रियंका सक्सेना क्लासेस इज ऑल्सो द लाइक फेमस नेम ऑफ द इन द लक्ष्मीनगर दिल्ली इंडिया, ठीक है। सो मैंने वहां से मोस्टली कोचिंग ली अपनी, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रुप 1 की कॉस्टिंग और ग्रुप 2 की कॉस्ट FM दोनों मैंने राजीव भार्गव से पढ़ा एंड लिटरली बता रहा हूँ बोथ ग्रुप आई हैव क्लियर्ड। इंटरमीडिएट लेवल का मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किया है इन फर्स्ट सेटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो इट मेक्स लॉट ऑफ लाइक प्राइड मूवमेंट और प्राउड मूवमेंट फॉर मी टू क्वालिफाई CMA इंटरमीडिएट लेवल बोथ द ग्रुप्स इन वन सेटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। जब वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है तो आपको पता है कि आपको कितनी खुशी होती है वो, ठीक है। और बोथ ग्रुप देने से बहुत सारी चीज़ें होती है आपको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत जगह आपको प्रायोरिटी मिलती है हर जगह, लाइक यू हैव बीन सीन बाय द रिक्रूटर्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। सो उसके हाँ अब मैंने इंटरमीडिएट में जो कोचिंग की थी, मैंने CA राजीव भार्गव से फेस टू फेस पढ़ा था, मोस्टली सारे सब्जेक्ट मैंने फेस टू फेस किए थे CA राजीव भार्गव से, कॉस्टिंग और कॉस्ट FM दोनों सब्जेक्ट, एंड आई स्कोर्ड इन कॉस्टिंग 75 आउट ऑफ 100 एंड आई ओनली अटेम्प्टेड 79 मार्क्स, ठीक है। सो इट मेक्स सो मच ऑफ द इम्पैक्ट कि भैया 79 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके 75 स्कोर कर रहे हो। आई हैव नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड कॉपी बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर एट दैट टाइम, आई हैड नॉट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एट दैट टाइम, बट स्टिल अभी जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट कॉपी था, सो आई कैन शो यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ July 23 और December 23 एग्जामिनेशन का मैं आपको दिखा सकता हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का और कंपनी अकाउंट्स ग्रुप 2 का, दोनों ही सब्जेक्ट मैंने संतोष कुमार सर से पढ़ा था, ठीक है। लाइक ही इज अमेजिंग यार, वो अमेजिंग है एकदम, ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है आपके माइंड में पूछने के लिए, ठीक है। मैं अपना पर्सनल फीडबैक बता रहा हूँ और फाइनल लेवल पे भी मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ग्रुप 2 का, ग्रुप 4 का आपका पेपर नंबर 17 जो हुआ करता था सिलेबस 16 में, अभी तो वो 18 हो चुका है, ठीक है, 2022 सिलेबस में। सो वो मैंने उनसे पढ़ा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट
आई विल सजेस्ट कि आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी सॉल्व करना चाहिए साथ साथ, जो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ। दूसरी चीज ये कि आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने चाहिए, दैट वाज डन बाय मी ओनली, जो मैंने किया था, ठीक है। सो लाइक संतोष कुमार सर, सीए में संतोष कुमार सर इज अमेजिंग, सीए राजीव भार्गव इज ऑलवेज अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा, मैंने आपको, हाँ अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्टों के। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपका बच गया लॉ और डायरेक्ट टैक्स ग्रुप वन में। सो लॉ के लिए मैं आपको बोलूंगा, लॉ में मैंने डिफरेंट बहुत सारी मैंने डेमो क्लासेस ली डिफरेंट टीचर की। मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि सी एस अमित वोरा, ठीक है, बहुत सारे फैकल्टीज है, सी एस प्रीति मलिक सिंह, सी एस अमित वोरा, ठीक है। उसके बाद में आपका सी ए लवली ढिंगरा सर, उसके बाद में जो सी एस के एक और फैकल्टी है, और बहुत सारे फैकल्टीज से मैंने कोचिंग ली, ठीक है। आपका सी ए क्या कहते हैं, वो कौन से सर है, अंकित करके कुछ है, मैंने बहुत टीचर से लिया, लाइक बहुत टीचर्स मैंने लोग की कोचिंग ली, डेमो क्लासेस लिया, मतलब कोचिंग नहीं डेमो क्लासेस लिया, बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आया लास्ट मूवमेंट पे आकर के क्या हुआ। मैंने सीएस अमित वोरा सर से की भी कोचिंग ली ऑनलाइन, और फेस टू फेस तो मैंने पढ़ा ही था प्रीति मलिक सिंह से, सीएस प्रीति मलिक सिंह, जो कि लाइक मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था उनसे बढ़ करके, ठीक है। सो लाइक दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कि यार आप किससे कोचिंग लेते हो, येस इट लाइक इम्पैक्ट सो मच ऑफ द सो मच ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। लाइक वो टीचर मेरे लिए सही नहीं लगे, मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज शी नेवर लाइक ट्राई टू टेल यू इन डिटेल, लाइक वो ये बताती थी हमेशा कि यार लाइक यू आर नॉट अ सीएस स्टूडेंट, ठीक है, आपके सिलेबस में तो इतना है ही नहीं, आपको तो इतना पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे इतना पढ़ के, लाइक ऐसा बोलती थी वो कि आपके सिलेबस में तो इतना छोटा सा कंटेंट है। सो यार छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको तो पूरा बैकग्राउंड देना चाहिए ना, ठीक है। सो लाइक दैट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम बाय स्टडिंग फ्रॉम हर, ठीक है, सी एस प्रीति मलिक सिंह। उसके बाद में अमित वोरा सर, वो भी अच्छे थे भाई, वो डिटेल में पढ़ाते थे बिकॉज वो भी सी एस के फैकल्टी थे। सो लाइक ओवरऑल, बट मुझे फिर सही बताऊं तो लाइक मेरा मन ऐसा हो गया था लॉ पढ़ के, लॉ पर फिर मैं खुद से सेल्फ पढ़ता था, कंपनी एक्ट पढ़ना हो तो बेयर एक्ट से पढ़ा, एम सी ए पोर्टल से, ठीक है, विच एवरी प्रोफेशनल स्टूडेंट डू एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद में लॉ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा मेरा, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स मैंने रंजीत कुमार सर से पढ़ा, रंजीत कुमार सर जो जिनका लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, ठीक है, मैं वहाँ से पढ़ता था। मेरी एक दिन में 3 कोचिंग होती थी डेली बेसिस पे, सर लाइक सुबह आना शाम को जाना ऐसा होता था, ठीक है। सो ये मैंने पढ़ लिया, रंजीत कुमार सर से पढ़ा, 40 मार्क्स आए बिकॉज ऑफ लेस प्रिपरेशन, ठीक है। कॉस्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको 75 मार्क्स आए आउट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ 79 मार्क्स, एंड 65 मार्क्स आए आपके कॉस्ट एफएम में, ठीक है। ये 65 जब भी बोलता हूँ तो अच्छे से मन से खुशी होती है, क्योंकि लाइक जो हार्डवर्क किया था ना पहले, लाइक आई कैन नॉट टेल इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में नहीं बता सकता मैं। द मोमेंट आई सो कि भाई आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट इन फर्स्ट सिटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट वॉज अ अमेजिंग, लाइक अमेजिंग हैप्पीनेस, और लाइक जो खुशी थी वो खुशी थी और वो अभी भी होती है, बट फाइनल में अटेम्प्ट लग गए। So there are some many reasons behind the same. I will definitely record a separate video for the reasons for which I was failing since last 4 attempts. ठीक है, तो ये रहा कुछ इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ आपका OMSM और आपका कॉस्ट एफ एम, OMSM और आपका IDT। तो IDT मैंने जो है आपका पढ़ा था, स्टारगेट के एक फैकल्टी हैं, क्या नाम है उनका, विभा करके है, विवेक बिरयानी, विवेक बियानी करके उनका नाम है, ठीक है, विवेक बियानी नाम करके नाम उनका है, उनसे मैंने पढ़ा था। सो लाइक IDT में, बट इतना मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ के उनसे, बट हाँ वो टीचर अच्छे हैं, बट उसके अलावा उनके अलावा बहुत अच्छे टीचर्स फैकल्टीज मार्केट में है, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम, ठीक है। बाकी विवेक बयानी वॉज ऑल्सो द लाइक गुड टीचर, ठीक है, टीचर तो यार सारे सही होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कितना समझ में आता है उनसे। तो IDT मैंने उनसे पढ़ा, सब फेस टू फेस किया था इंटरमीडिएट लेवल में। उसके बाद आपका बचता है इंटर ग्रुप वन में कॉस्टिंग मैंने बता दिया, डायरेक्ट टैक्स आपको बता दिया, लॉ आपको बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता दिया। अब क्या बच जाता है आपका ग्रुप टू में OMSM,
आईडीटी मैंने बता दिया। हाँ, ऑडिट मैंने अनुपमा शुक्ला मैम से पढ़ा था, सीएम अनुपमा शुक्ला, लाइक शी इज ऑल्सो गुड। बाकी और भी फैकल्टीज अच्छे अच्छे हैं जो आप जिनको आपको पढ़ना चाहिए जिनसे। बाकी ओएमएसएम मैंने ओएम तो मैंने सत्यम मिश्रा से पढ़ा था, लाइक ही इज अमेजिंग इन प्रैक्टिकल पार्ट, बट हाँ थ्योरेटिकल पार्ट उन्होंने मिस किया, बट प्रैक्टिकल पार्ट में ही इज अमेजिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराते थे लाइक कि, बट हाँ लाइक समवेयर ही ऑल्सो लाइक नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, बट अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, बाकी काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि उनका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, बट मेरे लिए सत्यम मिश्रा सर लाइक वॉज ग्रेट ग्रेट टीचर, बिकॉज मैंने फाउंडेशन में उनसे मैथमेटिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और मुझे पता है लाइक आई नेवर स्टडीड मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट हु हैड ओनली कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। सो लाइक मैथमेटिक्स में मेरे 71 मार्क्स आ जाना वॉज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। और इंटरमीडिएट लेवल में ओएमएसएम का ओएम मैंने उनसे पढ़ा, सो दैट वॉज अ अमेजिंग जर्नी। ठीक है, सो दैट वॉज माई ऑल अबाउट जर्नी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल कि मैंने किन से पढ़ा। अमेजिंग फैकल्टीज हैं सारे, ठीक है, बट फाइनल लेवल पे क्या होता है कि फाइनल लेवल में मैंने 3 से 4 कोचिंग ली थी केवल। फाइनल लेवल पे मैं आपको बताता हूँ लाइक फाइनल लेवल पे जो मैंने अपनी स्टार्ट करा वो मैंने 2021 ऑनवर्ड स्टार्ट किया पढ़ना थोड़ा बहुत, जिसमें मैंने कोचिंग ली आपकी रंजीत कुमार से अगेन डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट एंटायर सिलेबस बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ द लेक्चर्स, लाइक अप्रोक्सीमेटली 95 to 100 लेक्चर्स थे उसके, एक लेक्चर 3 घंटे का होता है। स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट एंटायर सिलेबस, इवन मोर देन 60% आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट। आई डोंट नो देर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड द सेम, बट दैट वॉज अ ओनली जर्नी। ठीक है, सो लाइक मेरे को फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ा, सो अल्टीमेटली इट वॉज वेस्टेड बिकॉज दैट वॉज परचेज बाई मी इन द कोविड पेंडेमिक टाइम, नहीं पढ़ पाया। ठीक है, सो दूसरी बात यह है कि फिर बीबी सर से मैंने लास्ट मोमेंट पे लास्ट 2 अटेम्प्ट से मैं बीबी सर को ही फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज हर हिज रिविजन वीडियोज आर अमेजिंग यार। इफ यू हैव नॉट सीन और वॉच्ड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्सेशन, सो यार इवन यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इवन एग्जामिशन ऑल्सो बाय ओनली वॉचिंग द वीडियोज ऑफ रिविजन वीडियोज ऑफ द बीबी सर, एंड द सेकेंड पार्ट इज बाय सॉल्विंग और प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ हिज क्वेश्चन बैंक एंड स्टडी मटेरियल एंड पास पेपर्स ऑल्सो। ओके, नाउ बीबी सर को मैंने लास्ट में रेफर किया 2-3 अटेम्प्ट से, उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सेल्फ किया, विशाल भट्टेट सर की मैंने रिविजन वीडियोज को फॉलो किया, उनके क्वेश्चन बैंक को और उनके स्टडी उनके बेसिकली मैं पूरा का पूरा उनका जो मटेरियल था वो मैंने लक्ष्मीनगर से परचेज किया था, फोटो कॉपी परचेज की थी। ठीक है, सो दैट वॉज अ विशाल भट्टेट सर फॉर IDT, सेल्फ किया था, कोचिंग नहीं ली थी। दूसरी बात ये आपका CFR संतोष कुमार सर से लिया था, ऑलवेज आई रिकमेंड यू। ठीक है, उसके बाद मैं लॉ मैंने सेल्फ किया, शिवांगी मैम को फॉलो किया उनकी रिविजन वीडियोस को, बाकी 2-3 अटेम्प्ट पहले मैंने फॉलो किया था मोहित अग्रवाल सर को, ऑलवेज सैल्यूट फॉर मोहित अग्रवाल सर। ठीक है, बाकी और मैं आपको बताऊं लाइक लॉ हो गया आपका, उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया ग्रुप वन में, और ग्रुप वन में क्या होता है आपका SCM होता है, सो SCM के लिए मैंने सेल्फ किया और विथ सम ऑफ द वीडियोज विच वॉज बींग अवेलेबल बाय माई सम ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, एक फ्रेंड था जिसने मुझे वीडियोज को दिया था, दैट वॉज अ फ्री वीडियो, दैट वॉज अ लीक्ड वीडियो बेसिकली आई शुड से, बट दैट वॉज अ वीडियो रिकॉर्डेड बाय लाइक जो टीचर थे वो लाइक ही इज अमेजिंग यार, लाइक राजीव भार्गव से भी अच्छे, मुझे मैं कंपेयर नहीं कर रहा बट येस डेफिनेटली जो लेवल ऑफ टीचिंग था ना वो लाइक यहाँ से यहाँ था, किसका CA संजय अग्रवाल सर। ठीक है, ही इज अमेजिंग यार, अमेजिंग फॉर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। इवन नागेंद्र शाह सर फॉर SFM, जिनसे मैंने SFM पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है नागेंद्र शाह सर से पढ़ के बिकॉज हिज लाइक रिविजन वीडियोज आर अमेजिंग। ठीक है, आप उनकी रिविजन वीडियोज को रेफर करके 2 से 3 बार उनके रिविजन वीडियोज को देखो, हर वीडियोज को सब चैप्टर वाइज, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अमेजिंग आपके बनने लगेंगे, अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी। सो नागेंद्र शाह सर से मैंने SFM पढ़ा, DT मैंने बीबी सर से पढ़ा, मतलब सेल्फ किया, बाद में स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, सो अल्टीमेटली CFR संतोष कुमार सर से मैंने लिया कोचिंग, और डायरेक्ट टैक्स मैंने बीबी सर से लिया, सो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई। SFM नागेंद्र सर से ले लिया, लाइक इनके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं फाइनल में। ठीक है, बाकी सब सेल्फ किया। SPM बीबी आई वॉज गुड एट ऑल, आई वॉज अमेजिंग इन SPM बीबी, आई मेड अ सो मच ऑफ द स्ट्रेटेजी विच वॉज शेयर्ड बाई मी with many students and they have even scored exemption, they have even scored like 80-70 marks plus,
ठीक है, दैट वॉज ऑल मेड बाय मी फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज जस्ट शेयरिंग एवरी थिंग वट एवर आई वॉज लर्निंग। ठीक है, सो मैंने वो शेयर किया, SPMBV कॉस्ट ऑडिट मैंने सेल्फ किया, SPMBV कॉस्ट ऑडिट मैंने सेल्फ किया एंड आई डेवलप्ड आई प्रिपेयर्ड अ सम अमेजिंग स्ट्रेटेजी विच वॉज हेल्प्ड टू मैनी स्टूडेंट आई विल से। ठीक है, वो कहते हैं लाइक फ्रेंड सारे कि यार डेफिनेटली तेरी वीडियो से मुझे हेल्प मिला, लाइक जैसा तूने बताया वैसा ही पेपर में आया। यस डेफिनेटली वी प्रिपेयर्ड, बट जैसा आपने बताया वैसा ही हुआ, वैसे ही क्वेश्चन आए, उस पैटर्न के ही क्वेश्चन आए और उस तरीके के ही क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन नंबर में ही वो क्वेश्चन पर्टिकुलर आया। ठीक है, तो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी विच वॉज फॉलोड बाई मैनी स्टूडेंट एंड मी ओनली बाई मी ऑल्सो। सो SPMBV कॉस्ट रेट मैंने आपको बता दिया, लाइक IDT मैंने आपको बता दिया फाइनल लेवल का, उसके बाद में बचता है आपका CFR भी मैंने आपको बता दिया। सो ग्रुप 4 कम्प्लीटेड, नाउ कम टू द ग्रुप 3 पार्ट। ग्रुप 3 में मैंने आपको बताया कॉस्टिंग मैंने सेल्फ किया, मोस्टली सेल्फ किया, आई वॉज ऑलवेज अमेजिंग इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा मेरा कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं हम आपका SFM नागेंद्र सासा से मैंने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स, मैंने बीबी सर की कोचिंग पहले ली थी 2 साल पहले, बट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से मैं फॉलो कर रहा था बीबी सर को, रंजीत कुमार सर से लिया था बट 2-3 अटेम्प्ट से मैं बीबी सर को फॉलो कर रहा था। सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑफ मी। ठीक है, और बाकी सब कुछ बता दिया आपको, लॉ का सब कुछ बता दिया, लाइक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। सो डू वॉच माई वीडियोज विच वॉज अवेलेबल इन लाइव सेक्शन, बहुत सारी वीडियोज अपलोड करी है इस जर्नी में, सो आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दोज वीडियोज डेफिनेटली एंड यू विल बी कमेंटिंग दैट येस आई लर्न दिस पॉइंट फ्रॉम योर दिस वीडियो। सो डू लेट मी नो। बाकी मैंने रिकॉर्ड किए, बाकी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट बनाया ही है कि आपको, आप कमेंट करके बताओ मुझे किस वीडियोज पे, मुझे टॉपिक पे, किस टॉपिक से मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बाकी मेरी अपकमिंग वीडियोज जो होगी, एक तो जॉब सर्च कैसे करें और आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे सर्च करें, सेकेंड चीज़ की जॉब इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं, इंटरव्यूज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं। ठीक है, बाकी थर्ड चीज़ जो एक स्टडी प्लान हो, क्या स्टडी प्लान हो सकता है सेल्फ स्टडी कोचिंग वाले स्टूडेंट को, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को या फिर एक जॉब वर्किंग प्रोफेशनल को, वर्किंग स्टूडेंट को भी क्या स्टडी प्लान हो सकता है, जस्ट सो दैट वी कैन लाइक ब्रिंग सो मच ऑफ द मार्क्स। ठीक है, उस चीज़ पर मेरी वीडियो रहेगी आने वाले टाइम में। बाकी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस जो भी होगा। तो चलते हैं, बाय बाय, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।